हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं आलू की कचौड़ी बनाने की रेसिपी। दोस्तों, ऐसी कचौड़ी आज हमने बनाई है कि आपको बिल्कुल भी बीच में आटा दिखाई नहीं देगा और ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट और चटपटी है। तो इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है। हमने यहाँ पर 1 किलो आलू ले लिया है, नया आलू है ये। आपको भी नया आलू ही लेना है, नया आलू की कचौड़ी कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। आलू हमने उबाल लिए हैं और उबाल करके हम आलू को एक एक करके छील लेंगे। और आलू को छीलने के बाद हम इसका बहुत ही बढ़िया सा भरता बनाएंगे, क्योंकि कचौड़ी बनाने में अगर आपका भरता गड़बड़ हो जाता है तो बिल्कुल कचौड़ी में स्वाद नहीं आता है। तो इसलिए भरता बहुत अच्छी तरीके से बनाना है। और कैसे बनाना है ये, हमने 1 किलो आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद यहाँ पर हमने डाला है 2 प्याज बिल्कुल छोटे छोटे से कटे हुए, और यहाँ पर हमने पूरी 1 आड़ी लहसुन की डाली है। लहसुन को भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। हरी मिर्च हमने ली है, 6 से 7 हरी मिर्च हैं ये। और लहसुन को आप जब लेना तो उसको छोटा छोटा पीस ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे पीस जब बनते हैं तो ये कचौड़ी में बहुत ही बढ़िया स्वाद देते हैं। इसे लहसुन के छोटे टुकड़े करके ही आप डालिए। और ये धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा और काली मिर्च का मसाला है, दरदरा वाला। और यहाँ पर हमने 1.5 चम्मच के करीब इसमें नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद यहाँ पर हमने कुटा हुआ लाल मिर्च भी लिया है, लगभग छोटा चम्मच डाला है 2, तो इस तरह से। और 2 चुटकी हमने यहाँ पर हींग ले ली है, और हरा धनिया हमने ले लिया है 1 कटोरी भर के। हरा धनिया आपको ज़्यादा मात्रा में लेना है। और इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लीजिए, मैश कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखें, आलू को बहुत पतला ना करें, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखिए, तो इससे कचौड़ी में ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भरता हमारा बनकर तैयार हुआ है। और अब हम लेंगे करीब आधा किलो आटा लेंगे हम। 5 से 6 लोगों के लिए कचौड़ियाँ बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर आधा किलो आटा ले लिया है। आटा की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आलू भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये आटा हम गूँथ लेंगे, और हमको बहुत ही सॉफ्ट डो बनाना है इसका। बहुत टाइट आटा हम नहीं गूँथेंगे, मुलायम आटा हमें गूँथना है। जब हम मुलायम आटा गूँथते हैं तो हमारी कचौड़ियाँ भी बहुत ही टेस्टी टेस्टी बनती हैं, मुलायम मुलायम। किसी किसी को मुलायम पसंद होती हैं कचौड़ी, किसी को कुरकुरी पसंद होती हैं। तो यहाँ पर हम सॉफ्ट वाली कचौड़ियाँ बना रहे हैं, मुलायम वाली, जो कि खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और जिनके दांत कमज़ोर होते हैं, जो हमारे घर में बूढ़े लोग होते हैं, वो भी ये कचौड़ियाँ बड़े ही प्यार से खा सकते हैं। और अब हम आटा ले लेंगे, रोटी की तरह ही हमें आटा लेना है। जैसे हम रोटियां बनाते हैं उसी तरह से हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे, और लोई बना करके हम छोटी छोटी रोटियां ही बेलेंगे। रोटी जैसे हम बनाते हैं, पूड़ियां जैसे बनाते हैं, उसी तरह से हम छोटी छोटी पूड़ी का आकार इसको दे देंगे। आप इसकी बढ़िया से लोई बना लीजिए, आटे को रगड़ेंगे तभी ये कचौड़ियाँ हमारी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो आप आटे को रगड़ रगड़ करके इसकी लोई बना लीजिए, और बेलन के सहारे से आप इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। आप ये कचौड़ियाँ बेलन, अगर बेलन से नहीं बनाना चाहते हैं तभी आप बना सकते हैं, बिना बेलन की मदद से भी आप इस कचौड़ी को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल पतली वाली कचौड़ियाँ बनाकर आपको दिखा रहे हैं, तो इसलिए ये हम बेलन की मदद से बना रहे हैं। इसमें आपको आटा कहीं पे नहीं दिखाई देता, जैसे कि कभी कभी हम लोग कचौड़ियाँ खाते हैं तो बीच में मोटा मोटा सा आटा रहता है, तो वो जब खाते हैं कचौड़ी तो हमारी कचौड़ी का स्वाद कम आता है, आटे का स्वाद ज़्यादा आता है। इसलिए आज हम ऐसी कचौड़ियाँ आपको बनाना बताएंगे जिसमें कि आपको आटा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कचौड़ी में, आटा आपको सब कहीं बराबर ही दिखेगा। और यहाँ पर हम भरते को अच्छे से भर देंगे, जो स्टफिंग बनाई है इसको थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करके हम भरेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको दबाया है, इस तरह से आपको दबाना है। और दबाने के बाद इसको पूरी तरह से हथेलियों से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब हम बेलन से भी इसको बढ़ाएंगे। पहले हम एक एक करके ये सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आप बना लीजिए, तेल लगा करके। और बेलन लीजिए और हल्का बेलन मारिए, बहुत तेज़ गड़ा के बेलन मत मारिएगा, नहीं तो ये कचौड़ियाँ जो होती हैं हमारी फूट जाएंगी और फिर
जब हम तलेंगे इसको तो ये पूरी कचौड़ी का जो भरता होगा पूरे में तेल भर जाएगा और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगेंगी और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। इसलिए बहुत ही आराम से बेलन मारना है ताकि हमारी कचौड़ी फटे नहीं। और इस तरह से जब आप बेलन से कचौड़ियाँ बनाते हैं तो आपकी कचौड़ी में कहीं पर भी आपको मोटा आटा नहीं दिखाई देता है। तो इसी क्रम से एक एक करके हम सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है कैसे भरना है, इसी तरह से भरना है। और भरने के बाद ये जो हमारी पूड़ी है, कचौड़ी है, इसको हम बेलन की मदद से बढ़ाएंगे और सारी कचौड़ियाँ इसी तरह बना बना कर रेडी कर लेंगे। सारी कचौड़ियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं और अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे, बड़ी कढ़ाई लेना है आपको, चाहे तो फ्राई पैन भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप लोग चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ रिफाइंड तेल नहीं इस्तेमाल होता है तो इसलिए हम सरसों के तेल में ही पूड़ियाँ बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो गया है। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो उसमें आप कचौड़ियाँ डालेंगे, 3 कचौड़ी, 4 कचौड़ी, जितनी कचौड़ियाँ आपके तेल में पक सकती हैं उतनी ही कचौड़ियाँ आप डाल दीजिए। और इसको थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहिए, हिलाते रहिए, ताकि आपकी कचौड़ियाँ चिपके नहीं। और देख सकते हैं हमारी कचौड़ियाँ कितनी ज़बरदस्त तरीके से फूल रही हैं। धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे, तभी ये अंदर तक पकेंगी। उलट पलट करके हम पकाएंगे, जब हमारी कचौड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, देखने से पता चल जाता है कि कचौड़ियाँ हमारी पक गई हैं। तो ये गोल्डन ब्राउन होने पर हम इनको निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा लाल कचौड़ियाँ पसंद हैं तो आप ज़्यादा देर तक इसको पका सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये कचौड़ियाँ पक गई हैं और इसी तरह से धीरे धीरे एक एक दो दो करके हम सारी कचौड़ियों को पका लेंगे। आप ये कचौड़ियाँ चाहें तो चटनी के साथ खाइए और सॉस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ, दही के साथ, जैसे भी आपको पसंद है आप उस तरह से खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और ये जो हमारी कचौड़ियाँ हैं, एक एक करके हमने इनको धीरे आंच पे पकाया है, तो ये सारी कचौड़ियाँ हमारी फूल गई हैं, खूब बढ़िया से मुलायम मुलायम हमारी ये कचौड़ियाँ बनकर रेडी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कहीं पर भी इसमें मोटा आटा नहीं दिखाई देगा, पूरी कचौड़ी बराबर है, एक तरह ही है, कहीं पर भी आपको मोटा आटा नहीं मिलेगा। और इसका जो भरता है इतना तेज महक रहा है कि बिल्कुल आप रह नहीं सकते कचौड़ी खाए बिना। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आप चाहें तो इसको बिना चटनी बिना दही के भी खा सकते हैं, क्योंकि ये ठंडी होने पर बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और टेस्टी भी लगती हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।